बात ऑस्ट्रेलिया की करेंगे, पर खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की बात करेंगे, जहां की बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। तो किस तरह की प्रोफाइल्स, हम बार बार अपनी इन वीडियोस के जरिए उन प्रोफाइल्स का जिक्र हमेशा करते हैं कि आप भी समझ सकें, रिलेट कर सकें। खासतौर पर अब जब हम ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा की बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में भी कुछ प्रोफाइल्स डिस्कस जरूर करेंगे जिस पर वीजा आए हैं रिसेंटली। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर, और आज स्कूलिंग वीजा को लेकर डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन हर बार की तरह आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गुल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसे कि सारे स्टूडेंट जानते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैम और मैम की कंपनी का तकरीबन 26, 27, 28 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी के चलते जो मैम का एक्सपीरियंस है उसी से हम अहम खास बातें ढूंढ कर लाते हैं और मैम से ही आप तक पहुंचाते हैं। सो मैम, आज सबसे पहले हम स्कूलिंग वीजा की जब बात करते हैं, मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी प्रोफाइल्स आप डिस्कस करिए स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बताइए जिस पर आप रिसेंटली वीजा लेकर आए हैं, कैसी वो प्रोफाइल्स थी और कितना टाइम लगा पूरे प्रोसेसिंग में, और रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो और कैसे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स को आप बोलते हो कि जल्दी से जल्दी उनको जरूर अप्लाई कर लेना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग स्टूडेंट वीजा है, इस टाइम सबसे अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि जो उसकी कैटेगरी है वो एक इनोसेंट स्टूडेंट की कैटेगरी, सारे स्टूडेंट्स इनोसेंट होते हैं, लेकिन वो स्कूलिंग स्टूडेंट है, गार्डियन उसके साथ जा रहा है टेक केयर करने के लिए, तो एक वो कैटेगरी डिफरेंट है जिसमें बहुत सारे वीज़ा नहीं लग रहे हैं, जिसका कि एक अलग ही जिसको कह सकते हैं कि इस टाइम सिस्टम चल रहा है और वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो मैं बात करूँ चाहे फिफ्थ क्लास के बच्चे की, चाहे सेवन्थ, चाहे इलेवंथ क्लास के, हर टाइप के वीज़ा हमारे पास आए हैं। और अगर उसमें पेरेंट्स में हमारी जो प्रेफरेंस होती है कि चलो मदर अगर जाना चाहे तो जा सकती है, तो वो साथ में ही वीज़ा आ रहे हैं उनके। तो उसमें इजी क्या हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि मदर साथ गई है, चलो वो उसकी टेक केयर करेगी, स्कूल छोड़ा है, स्कूल से ले आई, या बच्चा बड़ा ही प्लस वन का, लेकिन वो अंडर 18 है तो उनको गार्जियनशिप के अंडर वो जा सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है, एक तो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का उसको एक्सपोजर मिल रहा है बिफोर एंटरिंग इनटू कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अब प्लस वन का भी अगर बच्चा है तो उसके लिए बाकी वीज़ा, इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, लेकिन आप देखो ये वीज़ा थोड़ा अच्छे से आ रहा है, तो बच्चे को 2 साल को यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्कूलिंग का एक्सपोजर मिल गया, ऑस्ट्रेलियन स्कूल का अगर एक्सपोजर मिल गया तो आप सोचिए यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन कितनी इजी हो जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी में इजी एडमिशन हो गई, क्योंकि वहाँ उसी माहौल में पढ़ा, उसको पता चल गया ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसा है, तो उसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी लग सकती है। और आप देखिए जो स्कूलिंग फीस है वो इतनी कम है, $11,000-$12,000 से $20,000 तक। तो आप ये गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो $20,000 कितना हुआ, 10-11 लाख। अगर मैं स्कूलिंग स्टूडेंट की बात करूँ तो अगर मान लीजिए 11,000 फिफ्थ सिक्स क्लास वाले बच्चे का आ रही है तो 5.5-6 लाख की फीस आ रही है। और अगर हम प्लस वन की बात करें तो $20,000 11 लाख के आसपास आ रही है, जो कि यूनिवर्सिटियों की फीस आप देखो $35,000 $40,000। तो बच्चा कम में जाके अपने वहाँ का एक्सपोजर ले लेता है और उसके बाद वो एंट्री कर सकता है मेन यूनिवर्सिटीज़ में। अब इसमें फाइनेंशियल्स जो शो करने हैं, पेरेंट्स की इनकम और 1 साल की लिविंग, जैसे हर फाइल में हम शो करते हैं, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए फाइनेंशियल्स का, एंड बैंक स्टेटमेंट्स हमें चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए, जो कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हमें चाहिए, और मार्कशीट एडमिशन के लिए लास्ट 3 ईयर्स की मार्कशीट्स हमें चाहिए। आइल्स हमें ज़रूरी नहीं, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश पे स्टूडेंट जा सकता है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जिन बच्चों के जिस फैमिली के कोई एक बच्चा चला गया है तो उनकी इच्छा है कि ये सेकंड बच्चा चाहे स्कूलिंग में चला जाए, तो फैमिली मदर उस पर गार्जियन वीज़ा पे जाके बच्चों की टेक केयर कर लेती है। कुछ ऐसा सब फैमिलीज़ का एक सिस्टम बन जाता है, और फैमिली भी वहाँ पे या बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे हैं, और मेरे ख्याल दिस इज़ वेरी गुड सिस्टम इफ़ ए स्टूडेंट वॉन्ट टू टेक
इंटरनेशनल एक्सपोजर इन स्कूलिंग. अगर मैं कंपेयर करती हूँ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम को किसी और कंट्री से, तो अभी हम एक कॉन्फ्रेंस जर्मनी में अटेंड करके आए थे जिसमें स्कूलिंग की फीस यूएस बोर्डिंग स्कूल्स की अप टू $80,000. तो अब AUD जो है ऑलमोस्ट 55 का चलता है, जबकि अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 85 का. तो मतलब $80,000 मतलब $100,000 से भी ऊपर की फीस होगी कि इतने एक्सपेंसिव रहती है. वेयर एज ऑस्ट्रेलियन जो फीस है ये बहुत कम आ रही है, बहुत अफोर्डेबल है, एंड स्टूडेंट उसमें जाके अपना एक अच्छा एक्सपोजर ले सकता है. जी बिल्कुल. सो तो कई तरह की खास इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के जरिए मैम ने आपके साथ शेयर किया. मैं उम्मीद करती हूँ ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीज़ा, जिसमें कि बहुत अच्छी रेशो में पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है देखे जा रहे हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का स्कूलिंग वीज़ा लगे, तो टाइमली आप सही इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ज़रूर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी पूरी फाइल में लगने के लिए. तो उसके लिए आपको नेविगेट ओवरसीज के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए. ये जो नंबर डिस्प्ले है इस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और साथ ही जो नेविगेटर्स ओवरसीज का ऑफिस है वहां भी विजिट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके आइए ताकि उनकी असेसमेंट की जा सके और पूरी तरह से आपको पूरा प्रोसेस समझाया जा सके. बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग वीजा को लेकर हमारे सभी दर्शकों को पूरी जानकारी दी है. इसी तरह आगे भी हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते रहेंगे. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच. थैंक यू.